बच्चों के लिए सैंडविच हेल्दी होता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है, स्पेशली जब हम अलग अलग सब्ज़ी के साथ सैंडविच बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें कड़ी पत्ता, अदरक, मिर्ची, एक टमाटर और एक कांदा लिया है और कॉलीफ्लावर को काट के मैंने भिगा के रखा है। तो अब मैं थोड़े से तेल में जीरा डालूँगी, मिर्ची, अदरक और कड़ी पत्ता। अब इसे अच्छे से स्पैटर होने तक और अच्छा अरोमा आने तक इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। अब जब अरोमा आ गया है तब मैं इसमें कांदा डालूंगी अंटिल इट टर्न्स ब्राउन। अब देखो कांदा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें एक चॉप्ड टमाटो डालूंगी जब तक टमाटो ठीक से सॉफ्ट ना हो जाए। अब टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मसाला। मसाला के लिए मैंने पानी में हल्दी, मिर्ची और नमक डाल लिया है। इसे अच्छे से ब्लेंड होने के लिए मैंने पानी में डाला है, आप इसे डायरेक्ट भी डाल सकते हो। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें कॉलीफ्लावर डालूंगी। अगर आप गोभी थोड़ा भिगा के रखोगे तो गोभी बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लेता है पकने के लिए, बिकॉज़ ये ऑलरेडी थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका होता है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखो 3 मिनट ढकने के बाद कॉलीफ्लावर अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। इसे मैं ओपन में ही थोड़ा सा और कुक करूँगी और अभी सैंडविच बनाऊँगी। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने इसमें एक सैंडविच मेकर लिया है जिसमें ब्रेड और सब्ज़ी डाला है, अच्छे से ड्राई रोस्ट किया है और ये देखो मेरा सैंडविच पूरी तरह से रेडी है। आप सॉस के साथ सर्व कीजिए।